खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा जिले से आ रही है। जी हां, आपको बता दें, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी एवं जन आंदोलन मंच द्वारा CAA, NRC एवं NPR के विरोध में और इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर संविधान बचाओ रैली आज शहर में निकाली गई। इस रैली में छिंदवाड़ा जिले की सभी अंजुमन कमेटी, मुस्लिम संगठन भीम आर्मी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, वाल्मीकि समाज समेत अन्य संगठन शामिल हुए, जिसमें हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर लोग मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के अंजुमन सदर निसादुद्दीन खान ने बताया कि यह रैली पुराना बैल बाजार, करबला चौक से निकलते हुए बस स्टैंड, इंदिरा तिराहा, सत्कार तिराहा से होते हुए कलेक्टर पहुंची, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। अंजुमन कमेटी द्वारा निकाली जा रही संविधान बचाओ रैली में स्थानीय पुलिस अमले के साथ साथ STF और जबलपुर से बुलाया गया पुलिस बल भी तैनात रहा। रैली में लगभग 500 से अधिक पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। अमित ठेंगे चौक से इंदिरा तिराहा चौक, इंदिरा तिराहा से सत्कार तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने आके SDM महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आपकी जो ये रैली है आज, इसमें आपके कितने संगठनों ने आपको सहयोग किया? आज की जो इस रैली में, इस संविधान बचाओ रैली हमने ऐसे नाम दिया था, इस संविधान बचाओ रैली में हमारे छिंदवाड़ा अंजुमन इस्लाह मुस्लिम कमेटी के अलावा छिंदवाड़ा जिले के तमाम अंजुमन कमेटियां और हमारे दलित समुदाय के लोग, हमारे भीम आर्मी के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, वाल्मीकि समाज के लोग और दीगर भी धर्म समुदाय के व्यक्तिगत लोग और हमारे जो एडवोकेट, हमारे जो वकील साथी हैं, ये लोग भी सब इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए और इस रैली को उन्होंने समर्थन दिया। CAA जो कानून है ये भारत के किसी भी नागरिक पे लागू नहीं होता, तो उसका विरोध क्यों? ये जो कानून लागू किया गया है ये धर्म के आधार पर लागू किया गया। CAA के तहत उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करके उन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक जो धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर जो भारत देश आए हैं, उसमें मुसलमान छोड़ के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन्हें हम इन शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। तो हमारा ये कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता ना दें। और अगर आप इन तीन देशों को शामिल कर रहे हैं तो आप नेपाल, भूटान और म्यांमार को भी शामिल करें और यहाँ के भी जो अल्पसंख्यक जिसमें मुसलमान हैं, जो प्रताड़ित होकर धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर इस भारत देश में आए हैं, तो आप इन्हें भी नागरिकता दें। और तीन देश आपने शामिल कर रहे हैं तो तीन देश और मिला लें और छः देश को शामिल करके आप उसमें मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए जोड़ लें और नागरिकता सबको दें। हमारी यही मांग। थैंक यू। कानून जो केंद्र सरकार ने, भारत देश की केंद्र सरकार ने लागू की है, इस काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि इससे हमारे भारत देश की एकता व अखंडता को खतरा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता व अखंडता को खतरा है। इस कानून को वापस लिया जाए और NRC अभी जो लागू नहीं हुआ उसे लागू ना किया जाए। लागू होगा तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, आप सबके लिए भी नुकसानदायक है। तो ये वक्त है जिस तरीके से आज सभी एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आगे भी आप जब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता पे बात आएगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसी तरह जन सैलाब की तरह निकल के आएंगे, जैसे आज पूरे जन सैलाब की उमड़ा है। आज जिधर देखो उधर मंडी मंडी, चेहरे चेहरे, इंसान ही इंसान देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। ये बताता है कि वाकई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। मेरे साथ आप नारा लगाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। के विरोध में जो रैली निकली उसको बताएं। आज सदा अंजुमन के नेतृत्व में स्थानीय पार्टियों जैसे गोंडवाना पार्टी, भीम आर्मी, वाल्मीकि समाज आदि के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो मूल रूप से CAA, NRC के को रद्द करने के लिए है। ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और उचित माध्यम के द्वारा जा रहा है। तो जो रैली रही वो मूल रूप से कंटिन्यू रही। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।